这个没有，没事。अभी तुम आंध्रा में आंध्रा बैंक नहीं आईडीबीआई में तो इसकी दो मिनट में आप लोग एक कहानी सुना देते हैं, तब ये खुद बताएगा। बीसा चौक पर मैं क्लास ले रहा था और वो भी इन लोगों के कहने पर, सर यहाँ पर क्लास लीजिए क्लास लीजिए, तो क्लास शुरू हो। तो जोर जबरदस्ती, सिर्फ इसने एक ही अच्छा काम किया कि जो मैं बोला फॉलो करके चला गया। एंड एक महीना में, इन अ मंथ, जो नेगेटिव फीलिंग जा रही है वो सबसे पहले वो बदला, और उस वक्त आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम दिलवाया, पहला इंटरव्यू गया। इंटरव्यू जाने के बाद कम से कम 15-10 दिन तो उस पर काम किए थे, इंटरव्यू पर ज्यादा नहीं किए थे। तो इंटरव्यू में क्या हुआ कि जैसे रिजल्ट आया तो इसका नाम तो नहीं था, जब रेडी करके इसको भेजा और इंटरव्यू ये दिया तो इंटरव्यू में इसका नाम नहीं था। इधर आओ, ये खुद बताएगा कि जब ये बोला कि सर मेरा नाम नहीं है तो मैंने क्या बोला और ये क्या बोला, ये खुद बताएगा। सर ये कह रहा था कि अच्छा है तुम्हारा नहीं हुआ, सही सही बोला सर का पहला था कि नहीं अच्छा हुआ कि तुम्हारा नहीं हुआ। ये मेरा पहला, मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था तुमसे, तुम इससे ऊपर ही जाने वाले। और जिस समय मैंने तो ज्वाइन किया था उस समय था, मतलब रिजल्ट फर्स्ट जो था तो दिया था, और मेरे को प्रिपरेशन नहीं था उस समय, प्रिपरेशन नहीं था इन सेंस कि इंटरव्यू में मार्क्स तो मतलब एवरेज ही देते हैं 60-70 एक नॉर्मल लेके चलो, आप ज़्यादा अच्छा कर दिए तो बहुत ऊपर लेके जाते हैं और नहीं फिर वो 40-45 तक में रहते हैं, तो मेरा एवरेज ही था। लेकिन मार्क्स जो है एक आता है वो डिपेंड करता है रिटर्न का भी, तो वो 10 नंबर ज़्यादा होने चाहिए कम से कम। जब भी रिटर्न 135 जा रहा है आपका कट ऑफ, तो 145 यदि अप्रॉक्स जाता है तो आपका आना चाहिए कि आप क्रॉस करोगे, लेकिन उसमें मेरा मार्क्स 6 या 7 नंबर ही ज्यादा शॉर्ट कर रहा था, तो यहाँ पर दिक्कत आई। इसके बाद जो हमने दौड़ लगाया गुरु और चेले ने, तो फिर 6 मंथ्स के अंदर रिकॉर्ड ब्रेक किया जॉब लेने का। रिकॉर्ड मीन्स रिकॉर्ड, कौन सा एग्जाम था जिसको कोई, कौन सा क्लर्क था जिसको ब्रेक नहीं किया। इसके बाद एक और चुक हुई SBI PO में, और वो चुक थी इंग्लिश की। इसको मैं बोल करके भेजा था, देखो ये SBI है तो SBI में आप थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करो, मीन्स इफ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ टू बी एन ऑफिसर तो यू हैव टू शो दैट यू आर एन ऑफिसर। तो थोड़ा सा लैंग्वेज, मीन्स सो फार एज इंग्लिश इज कंसर्न्ड, तो इसकी इंटरव्यू पटना में थी, इंटरव्यू पटना में तैयार करके मैं नहीं भेजा, बट उस वक्त फिर वही कॉन्फिडेंस वाली बात, दैट कॉन्फिडेंस वॉज नॉट कमिंग, दैट वॉज मिसिंग। तो ये गाया जिसको बोलेंगे नैरो हेयर थिन मार्जिन, डेढ़ या दो नंबर से चुका SBI। फिर क्या था, SBI क्लर्क तो हो चुका था बीच में, अब बारी थी कि क्लर्क में तो रहना नहीं है। ये मैं 6 मंथ्स के अंदर की बात कर रहा हूँ, और हमारे और इसके बीच में और कोई टीचर नहीं था, ठीक है ना। ये बोला कि सर मैथ्स कर लेंगे, तो मैं घर के बोला कि मैथ्स कर लेगा तो मैं जॉब दिलवाया। पेपर वगैरह खूब पढ़वाता था, खूब पढ़वाते थे मतलब खूब अलॉट, करंट वगैरह बहुत अच्छा कर दिया था, ठीक है ना, बहुत अच्छा, मतलब कहीं से आप पूछो ये रेडी था। इसके बाद आया PO इंटरव्यू, फिर आया तीसरा या चौथा, वो भी 6 मंथ्स के अंदर में, जब तक से ये जॉब पकड़ चुका था SBI क्लर्क में। अब क्या था, अब वहां से उसको छुट्टी नहीं मिल रही थी, और इसके फादर बोल रहे हैं कि मत आओ। अभी क्या किया कि ये क्या किया कि पापा के खिलाफ एक्शन लेते हुए जॉब छोड़ दिया, ऑफिसर्स की भी बात नहीं माना, और सीधे आने से एक दिन पहले मुझे फोन करता है, मैं सर मैंने खबर करके बिना खबर किए आपके पास आ रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू है IDBI बैंक का PO का, सो आप संभालिएगा। तो चलो ठीक, देखते हैं। फिर इसके साथ और भी मेरे 4-5 थे जो कहीं और ज्वाइन किए हुए थे बाकी कोचिंग्स में, ठीक है मतलब ठीक है। फिर 10 दिन इसको लेकर के बैठा, बोला कि इस बार जहाँ गलती हुई दोबारा ना हो, तो जो आप लोग इन्फ्लेशन और बैंकिंग और रेपो रेट और ये सब सीखते हो, तो हमने एक ही चीज़ बोला है कि बोला था कि रटना नहीं, मंगअप दिस थिंग, इनको सामने वाले को कैसे प्रेजेंट करना है ये बताते हैं।
तो जो बॉटल का एग्जाम्पल बताया था ना, पानी वाला कल बता ना शायद, इसको बोलो कि तुम वही बोलोगे। मैंने वही बोला और मैंने बोला सेम वही बोलोगे अगर ये क्वेश्चन डैम श्योर पूछेगा, क्योंकि इंटरव्यू से पहले ही मैं बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा और उसको प्रेजेंट कैसे करना है। सो नेवर ट्राई टू बी थियोरेटिकल दैट यू हैव मंक्ड अप द सेंटेंस विदाउट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स एंड यू आर जस्ट रीगर्जिटेटिंग इट, बट इट इज नॉट योर ओन। ठीक है, तो इसने वही किया जो एक जो गलतियों से हम लोग सीखते हैं, तो जो हम लोगों ने गलती किया उससे सीखा और आज ये दिल्ली में पोस्टेड है। और इसका ख्वाब है कि सर अब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं, तो ये जब भी आता है तो रिंग जरूर करेगा कि सर मैं आया हूं। तो मैं बोला कि आया तो अब आओ, अब सबसे पहले जो आप लोग इतने लोग बैठे हैं आप लोग इससे इंस्पायर हो जाओ और सबसे पहले तो मिठाई खाओ, और इसके बाद जैसा इसने अपने एटीट्यूड में 6 महीना में करके दिखाया वो आप भी करके दिखाओ। आई प्रॉमिस सेम थिंग विल हैपन विथ यू ऑल्सो। तो इसके लिए एक जोरदार सी ताली हो जाए। राइट, बाकी दो चार बात ये खुद बताएगा, इसके बाद हम लोग पार्टी शार्टी करते हैं। ठीक है सर, ओके, कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं। किसको पूछना है कुछ? अपने से बताओ, तभी लोग हो सकता है थोड़ा वार्म अप हो। नहीं, नॉर्मली भी एग्जाम से जो पैटर्न है जो हमारे वाले में था उसके बाद तो एक चेंजेस आए हैं कि आप लोगों को मतलब टाइम टू टाइम ये करना है, हाफ एन आवर वाले जो मतलब 30 मिनट्स आपको इस पर देना है उसमें। हमारे समय नहीं था, तो हमारे समय मतलब यदि सब्जेक्ट्स हैं जो भी मतलब इंग्लिश है, जीके है और कंप्यूटर था उस समय, कंप्यूटर 20 नंबर से ही आते थे उस समय, और मैथ्स और इंग्लिश मतलब जो भी था उस समय हमारे पास था कि हमें टाइम को मतलब एग्जीक्यूट करना है किस हिसाब से, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा है आप उसको लेके चलोगे तो आप कर लोगे। लेकिन थोड़े से चेंजेस उसके बाद हुए हैं कि आपको अब टाइम टू टाइम करना है, आधे घंटे इंग्लिश पर देना है मतलब देना है। तो उससे क्या कट ऑफ, हमारे समय में जो कट ऑफ था 82 समथिंग था, 82 या 81 था वो, और नीचे आके आई थिंक लास्ट ईयर 58, इस बार 58 या 60 समथिंग हुआ। उस रीजन वही था 58 समथिंग ना जनरल का, जनरल का वही मतलब 58 समथिंग का, तो रीजन वही था उसके, मतलब नीचे आने का रीजन यही था। हम लोग का समय में था कि मेरा था कि कंप्यूटर और जीके, ये मुझे मैक्सिमम नंबर स्कोर करना था। मैक्सिमम जीके मतलब मैथ में स्पीड टेस्ट देते हो जिसका भी देते हो, मतलब जीवन महिंद्रा का देते हो, जिसका बैंक का सड्डा का एक वो रहो, एक बीएससी की मैगजीन आती जो स्टार्टिंग वो अच्छे से करके रखो। उसके अलावा भी जितने भी मतलब देखो, जीके में ये नहीं रहता ना कि आपको यहीं से पूछेगा, ये कभी मत सोचना। इवन मुझे याद है ये क्या कोई दूसरा दो एग्जाम था यूपीएस का, इससे पहले 2014 के एग्जाम की बता रहा हूँ मैं शायद, उसमें उसने हिस्ट्री से पूछा था, लाला लाजपत राय वाला था ना वो, उसमें शायद किसी को मतलब उसमें वो मरे थे मतलब आई थिंक उस समय, तो हिस्ट्री से उसमें भी क्वेश्चन पूछा, तो उसका कोई लिमिट नहीं है कि यहीं से पूछेगा। लेकिन हाँ, बैंकिंग का एक अलग साइड है, उसके मिसलेनियस अलग आता है, जो भी मतलब पूरी उसके आते हैं वो अलग करके रखो। जीके कंप्यूटर इस पर सबसे मैक्सिमम मार्क्स आपको उठाना रहता है, मैक्सिमम मेरा बहुत पहले भी हो जाता, लेकिन सिर्फ एक इंग्लिश ही था जो मतलब सबसे बड़ा बैरियर जो होता है ना इंग्लिश का, क्योंकि नॉर्मल जितने भी अपने बिहार झारखंड के हम लोग हैं सबको पता था, हम ही लोगों को नहीं पता रहता, इवन आप इंडिया के किसी भी कोने में रहोगे उनको पता रहता कि इनकी इंग्लिश ही दिक्कत है, मैथ में अच्छा कर लेंगे, रीजनिंग अच्छा कर लेंगे, सब करेंगे, बैरियर इनकी इंग्लिश रहती है। तो इंग्लिश में सबसे पहले हम लोग मैंने बोला कि हमें उस समय टाइम का डिबेट मतलब ये नहीं था कि आधे घंटे इस पर देना उस पर देना। जब से मैंने सर के पास ज्वाइन किया था, मेरे पास एक चीज़ था कि मैं पहला एग्जाम में बोलूँ तो आईपीएस का क्लर्क दिया था मैंने, 40 मिनट्स मैंने इंग्लिश में दिया था, क्योंकि मुझे वो अंदर से हमेशा डर रहता था कि मैं इंग्लिश से पास हो पाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश से पास हुआ तो ही शायद मैं आगे। 40 मिनट में मुझे लगता है 14 या 15 नंबर मार्क्स आया होगा, 12 या 13 कटअप था, बस जस्ट पास हुआ था लेकिन क्लियर नहीं हुआ था। ओवरऑल जो आप देखो तो मतलब उसमें 6 या 7 नंबर से मतलब नहीं कर पाया था। तो रीज़न उसमें क्या था, बस इंग्लिश था। यदि मैं एक सब्जेक्ट में 2 घंटे में 40 मिनट इंग्लिश में दे रहा हूँ और नंबर कितना आ रहा 12, तो बहुत ही मतलब ज़्यादा ये करता है। आप जीके में कोई बात नहीं, बहुत आपकी स्पीड अच्छी है तो बहुत अच्छे से उठा लो मतलब कर लोगे, कंप्यूटर में भी कर लो लेकिन मैथ्स में भी, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत जो आती है इंग्लिश की वजह से आती थी, तो उस चीज को करने के कम करने के लिए। तो सर की जितने भी ये चीजें हैं, अब मुझे यहाँ से यहाँ तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही थी उस समय, यदि मैं यहाँ पर है मैंने यहाँ से आगे देख लिया और यहाँ देख लिया इतने देर में कर लिया, मुझे प्रैक्टिस आ जाती तो मुझे पता चल जाता था कि इसके आगे इन लगेगा प्रीपोजिशन के, ये लगेगा या ये नहीं लगेगा, वो सर मतलब इतना करवा चुके थे। तो ये जो टाइम रिड्यूस होता है ना, इस टाइम को हम कहीं ना कहीं उसको करते थे, इसमें हमें ये चीज हो गया। अब इस टाइम हम कहाँ यूज करते थे, रीजनिंग आती थी, रीजनिंग में आप टाइम दोगे तो 5 नंबर मिल जाएंगे, आपने बहुत सभी टाइम बचा के रखा तो 5 तो मिल जाएंगे, और यदि नहीं तो टाइम ही जाएगा और वो 5 नंबर तो फिर मतलब
पूरा ही घट गया। तो वो फिर उस एक क्वेश्चन के बाद में, मतलब जब आप एग्जाम देते हैं ना, तो एक क्वेश्चन से मान लिया जाता है कि हम इन है या आउट है आपके लिए। मतलब हम लोग जब एग्जाम देते तो 2 घंटा कंटिन्यूस पेन चल जाता था, मतलब लगता था कि हम लोग इन तो है। अब लास्ट में बना रहे हैं, एक भी रीजनिंग का पजल एक भी बनाया नहीं बना, तो उस एक के कारण और भी जो आप सामने बनने वाला भी रहता है उसमें भी टाइम लगता है, या तो बनेगा नहीं, और उसके बाद पूरी हमेशा उसमें दिमाग रहता है। हम लोग वाले में आईपीएस में सबसे ज्यादा जो टफ था उसमें रीजनिंग था, उसमें प्री एग्जाम लिया था, प्री में मैथ रहता है, इंग्लिश रहता है, और वो रीजनिंग रहती है। प्री तो सबने निकाल लिया, मतलब उसमें उसने क्या किया था, प्री में इंग्लिश के लेवल थोड़ा सा उठाया था, तो जिसने भी इंग्लिश से जो बाहर हो जाते हैं, और उसने सेकंड वाले में क्या किया, इंग्लिश ठीक था, मतलब जो एवरेज रहता है, लेकिन उसने रीजनिंग का लेवल बहुत ज़्यादा हाई कर दिया था। मतलब इतने भी मुझे याद है, मेरे कुछ फ्रेंड मतलब कि बोलते थे कि मतलब कि मैंने यार 12-13 बना लिए हैं बस उसमें पास हो जाऊँ, जबकि उसमें कटअप नहीं आता ज़्यादा, नॉर्मली 7-8 ये रहते हैं, लेकिन ओवरऑल जो कटअप आता है वो तो आपको क्लियर करना ही है, तो 7-8 नंबर से आप नहीं निकाल सकते ना, 7-8 नंबर से। तो वो लगे मैंने 12 ही किया था, उस वाले में मैंने आई थिंक 31 अटैम्प्ट किया था, 26 से 27 नंबर थे मैंने एक रीजनिंग में। तो आपको पहले ये करना है ना कि मतलब मुझे कितना स्कोर देना। अभी जैसे तुम लोग टाइम डिवाइजन है, यदि आपको मैथ में लगता है कि मेरा बहुत अच्छा DI है, तो DI बहुत आते हैं, मतलब DI का हमारे समय में मतलब था कि 50 नंबर के आई थिंक में 35 या 25 नंबर का DI रहता था, तो DI आपको बहुत ज़्यादा मतलब मास्टर ग्रुप बना रहेगा, क्योंकि DI मैथ के लिए सबसे मेन है। यदि आपको इसमें क्लियर करना है तो DI ही मेन है मैथ्स में, क्योंकि आप यदि किसी मतलब मैं भी कितना ही बनाता था, टाइम डिस्टेंस ये सब बन जाते हैं या बनेंगे, लेकिन जब उस लेवल पे जब एग्जाम में बैठ के बनाना सोचते हो ना, तो मुझे लगता है वो क्वेश्चन बहुत मुश्किल करते हैं, दिक्कत आता है, वो नहीं बनते लगभग। मतलब जिसने भी दिया होगा, मतलब कितने ने दे दिया एग्जाम दिया अभी, मतलब IPS भी सभी दिए हैं बिल्कुल। तो जिसने दिया वही बता रहा कि जो ये जो एग्जाम के रहते हैं क्वेश्चन है ना, टाइम एंड रेशियो, मतलब वो स्पीड टाइम का हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन यदि तुम वो देखो DI के क्वेश्चन रहते हैं ना, ये बन जाते हैं। इसमें आपको बस एक पैटर्न पता करना था कि कहाँ से बन रहा है, इस वाले में पैटर्न मुझे पता चल जाएगा तो फिर मतलब दिक्कत नहीं आएगा। तो अभी क्या कर रहे हो, अभी फाइनल और क्या आगे? आगे सीरियसली पहले कोशिश करता हूँ, उसके बाद फिर अभी फॉर्म भरे हो? हाँ फॉर्म भरा। ओके चलो, तो ये अच्छी बात है, और जैसा मैंने बोला कि ही इज सच ए कैंडिडेट दैट यू शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम, जो नेगेटिव में जाते जाते पॉजिटिव में गया, पॉजिटिव में भी इतना ज्यादा गया कि जब आपके अंदर में ही वो द सेम कैंडिडेट फॉर 6 months, 6 महीना पहले, 7 महीना पहले भी तो वही सेम कैंडिडेट था। पहला एग्जाम जो मेरा था ना IPS क्लर्क का, बिहार से मैंने भरा था, तो वो नहीं हुआ था उसमें, मतलब सर ने बताया जो मतलब कि 6-7 नंबर के मतलब कारण नहीं हुआ। सेकेंड मेरे पास IPS का वो SB एसोसिएट से आते हैं ना, उसको मैंने महाराष्ट्र से भरा था, तो उसमें क्लियर किया था। वो इंटरव्यू बहुत अच्छा था, और मतलब उसमें था कि मैंने एक बार जो गलती की थी दोबारा मैं सीख के गया था सर से पूछ के, तो सर ने बता दिया कि इस एरिया से पूछेगा और आप यदि उसको फील्ड में ले आओ, तो बाकी वो इंटरव्यू मतलब जो मैं चाह रहा था वैसे ही हुआ। मैंने चाह कि काट करके माइनस कर दो कि क्या बिल्कुल वो कितना पढ़ेंगे वो नहीं करो, क्या पूछेगा ये पहले से जानोगे, बस उसको प्रेजेंट कैसे करना है कॉन्फिडेंटली। यदि उसने क्वेश्चन पूछा और मैंने उसको वही आंसर दिया जिसमें एक वर्ड टर्म था कि नोबेल प्राइज, बस उसको वो कैच करना था, उसने कैच कर लिया कि नोबेल प्राइज, आप नोबेल प्राइज तुम बताओ। उसने 6-7 क्वेश्चन तैयार किया और वो मेरे पहले से तैयार थे कि जितना तुम्हें पूछना पूछो, मैं तो पहले से बैठा हूँ। जो एक पूछ रहा है उसके दिमाग को पहले ही माइंड में लेकर के चलो कि ये पूछेगा, अब पूछेगा तो आप कहानी की तरह कह दोगे तो आपका आंसर ही जाएगा और उसका कोई वैल्यू नहीं हुआ। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप वहां पर प्रेजेंट हो और आपका जो आंसर है आपका प्रेजेंस है, सो वे द मैनर द मेथड यू प्रेजेंट योरसेल्फ मैटर्स अ लॉट। इंप्रेशन वाला जो PA का था, सर एग्जांपल सर ने मुझे यही बताया कि इंप्रेशन क्या होता है, सामने बैठे बच्चे वहां बिरसा चौकी के क्लासरूम में वहां इकट्ठे वाले बॉटल जानने बोले कि बॉटल है, इसकी कॉस्ट भी बढ़ सकती है, 2-3 रीजन हो सकते हैं। मैंने सेम एग्जांपल उसके सामने बोला था इंप्रेशन, और वो एरिया रहता है जब आप इंटरव्यू की तैयारी करो ना आपको पता रहता है, जो अभी बैंकिंग में सबसे ज्यादा है NPA चलता है, मतलब NPA का इंफ्लेशन है, अभी जैसे यदि पूछे तो GST पर आना रहेगा, जो रिसेंट टॉपिक और GST मतलब बहुत ही बड़ा मतलब बहुत सेक्शन है, तो आपको उसमें पहले लगा कि हम जो जैसे जाते हैं हम मेरे एक पेपर पढ़ के जा रहे हैं, वो जो मेरे सामने बैठा 4-5 पेपर पढ़ता है, तो आप उसको ज्यादा ये नहीं बोल सकते कि ओवर भी स्मार्ट नहीं बनोगे कि हाँ मैं बहुत जानता हूँ आप ही, मतलब तो फिर उनके लेवल जो पूछने का लेवल है वो बढ़ा देते हैं, अच्छा आप ज्यादा जानते हो ना ठीक है यहाँ से बोलो और बताओ, मतलब कितना तुम तो आप लोग क्या करोगे,
अब इसको पहले सबसे मैंने बताया कि पढ़ो कैसे, क्या पढ़ो, और अच्छी बात यह है ना कि ही वेंट ऑन रीडिंग एवरीथिंग जो मैंने रेकमेंड किया, आंख बंद करके पढ़ता था और कोशिश कर रहा था कि हम उसको एक्सपैंड करें, ठीक है ना। तो आप ये लेकर के जाकर के बैठोगे कि हाँ हमारे पास जो नॉलेज है दैट इज यू नो कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, नो दैट इज अ ड्रॉप इन द ओशन, वो भी नहीं, वो एक बूंद भी नहीं है। जो इंटरव्यू वाले बैठेंगे ही दे हैव 10 ब्रेन्स, 10 ब्रेन लेकर के बैठने हैं, और आप स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे तो दे विल स्वॉलो यू, सीधे निकल जाएंगे, आप कहाँ हो वहां पर। आप तो अगर ले देकर के एक पेपर पढ़ लिए तो अगर आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया, ऐसा कुछ नहीं है। इतने मतलब वो इसे क्वेश्चन पूछेंगे ना कि क्या होता है, व्हाट इज बैंकिंग, तो बैंकिंग बता दो, अरे तुमसे तो नहीं होते, सभी बता देंगे, उनका टोन ऐसा रहता है तुम्हें कुछ नहीं आता, अरे तो हम थोड़ा सा मोरल ऑलरेडी नीचे, ऑब्वियसली बात है फर्स्ट टाइम ज्यादा डर अलग रहती है, थोड़ा नीचे हो गया तो फिर धीरे धीरे इंटरव्यू खराब जाएगा। देन उसके बाद आपको जहाँ भी उसको एक भी, जैसे सर को बोला ना इन्फ्लेशन पे आया वो, मैंने इन्फ्लेशन में फिर वहीं पर उठ के जवाब दिया उसको, उसी टोन उसी लेवल पे, तो उसको लगा कि नहीं, वो रहता है कि उनको लगता है कि नहीं, एक दो बार मैंने डांटा भी या फिर उसको भी किया, फिर भी वो अभी चाह रहा था, क्योंकि अब वो बैंकिंग में ना अब उस तरह के कैंडिडेट नहीं चाहिए उनको जो कि एकदम बोले तो हाँ सर एकदम वैसा वाला, क्योंकि उसको पता है कि बैंकिंग अब बहुत ही एग्रेसिव है, तो उसको चाहिए वैसे ही आपको एग्रेसिव ही बैंकिंग करनी है, हर चीज आपको करना है एग्रेशन के साथ में, ऐसा नहीं है कि आप बैंकिंग सेक्टर ही नहीं, आपका जो कमीशन आप दे रहे हो वहाँ पर एग्रेशन आ रहा है, काम कर रहे हैं, काम में काफी फास्टनेस आ रही है, और आप स्लगिश हैं तो आप पीछे रह जाओगे, आपको मतलब हर के उसको टाइम पे चेंज करना है, यू हैव टू कोप अप विद इट कि हम अपने आप को कैसे मेंटेन करें, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। नॉर्मल लड़कियों को किसी भी जगह लड़कियों को भी कि नहीं कि मतलब कोई बैंकिंग कस्टमर है बहुत डांट दे तो रोने लगे, रोने वाने नहीं चाहिए उनको, उनको चाहिए उनको पलट के जवाब दे कि हाँ सही है और वो चाहिए, तो वहाँ पर एकदम क्योंकि वो और समय नहीं पकड़ करके बाल वाल पकड़ करके हाँ तुमने क्यों बोला, तो मेरे को क्यों बोला, हम नहीं बोल सकते नहीं मुझे फैमिली के पास रहना है या फिर उस सिटी में रहना है, अब बैंकिंग प्रोफेशन चुन ले तो अब से बात है कहीं भी जाना, यूनियन बैंक की आई थी ना इस बार आई गलती में मेरा फ्रेंड निकाला है, उसको लगा कि वो मेरे साथ ही IDBI में था, तो सब इश्यूज के प्राइवेटाइजेशन होने वाला है इसको लेके, उसने मतलब IFSPO के एग्जाम क्लियर किया यूनियन बैंक मिला, तो उसने सतारा जो कि पुणे में है छोड़ा, और भी फिर उसको गेटवे ऑफ इंडिया के पास मिला है मुंबई में, तो कहीं आप सोच रहे हो कि वहां से छोड़ के यूनियन हो जाएगी, उसको खुश था यार मैं तो बिहार या यूपी तरफ आ ही जाऊंगा एकदम, बिल्कुल एकदम आ ही रहा हूं मैं तो, लेकिन वही मैंने पूछा कि और किसी का बोले किसी भी इवन लड़कियों को भी रांची और ये रांची बिहार और इनकी दिक्कत ये है कैंडिडेट यहां से इतने मतलब ये करते हैं क्वालिफाई करते हैं और ब्रांचेस नहीं है, यदि मैं IDBI की बात कर लूँ तो मेरे को मैंने ED के सामने बोल दिया था कि सर मुझे तो वहाँ पर नहीं जाना है जहाँ पे मुझे आपने पहले पोस्टिंग दिया है, देख लो मैं नहीं जा रहा हूँ, तो बोला कि मैं क्या करूँ, मैं यदि मानता हूँ कि एक्सपेंशन मुझे इस जगह पे करनी है तो RBI हमें देता है कि गुजरात में करो या महाराष्ट्र में करो, ब्रांचेज हमारी मैक्सिमम वहाँ पर है तो हम कहाँ से उसमें ले आए, और हर आदमी को वहाँ से उठा कर नहीं दे सकते हैं, ये सब मेंटली प्रिपेयर्ड करके रहो बिकॉज ही द यू नो पर्सन हु इज वर्किंग इनसाइड एंड ही नोस, और इनके आगे बढ़ने का आप लोग यू नो प्रेयर करो और ये आपके आगे बढ़ने का प्रेयर करें, फिलहाल मिठाइयाँ खाते हैं और पार्टी मनाते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलो थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत अच्छा सर के साथ जरूर रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि सर के साथ दिक्कत मतलब सबसे बड़ी फायदा जो हुआ था, दिक्कत ये है कि थोड़ा सा मतलब रहते हैं कि आप बहुत डांट के पढ़ाते हैं, लेकिन फायदा है कि इनके साथ मोटिवेशन जो मिलता है ना वो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप कभी भी आओगे ना तो ये नहीं कि मतलब ऐसा है वैसा है, मतलब मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज़ है, आप किसी भी एग्जाम के लिए ना कहीं भी क्वालिफाई करो कहीं भी पढ़ रहे हो आपके पास यदि मोटिवेटर कोई पीछे नहीं रहता ना तो आप कहीं ना कहीं लैक करते हो, क्योंकि हजार आदमी बोलता है नहीं होना यार, मतलब दोस्त यार भी पीठ पीछे बोलेगा अरे यार उससे होगा नहीं यार ऐसी टाइम पास ही कर रहा है यार बहुत ऐसी जा रहा आ रहा है बहुत सारी चीज़ें होती है यार ऐसे ही मतलब, लेकिन सर के साथ रहता है कि मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि सर जब इंग्लिश ही पढ़ाते वो ठीक है लेकिन इंग्लिश के साथ उनके पास रहता है उनकी नॉलेज इतनी है ना कि मैं जानता हूँ, जैसे द हिंदू पढ़ने सर बोलते हैं ऑब्वियस बात है कि हम लोग इस जगह पर हिंदी खोलेंगे ना तो हमें लगता है दिन भर पढ़ जाएगा वो, लेकिन उसमें सर नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन सर ने बोला ठीक है तुम उससे नहीं पढ़ पा रहे आर्टिकल पढ़ो, आर्टिकल्स आते हैं ना इवन नेट पर भी आते हैं आर्टिकल्स आते हैं एक टॉपिक पे, आप देखो GST आप उसको कम से कम करो लेकिन करो जरूर, लेकिन जो कि इंग्लिश की लेवल इतनी ऊपर है ना कि मतलब बहुत ही मतलब ये है इंग्लिश इतना मतलब ये कि आप हल्का भी प्रैक्टिस से बाहर आओगे ना फिर दिक्कत हो जाती है वहीं पर जाते हम लोग उस हम क्योंकि हम भाई बात को इंग्लिश नहीं हर चीज़ कहते आते हैं दिक्कत बहुत ज़्यादा लेवर किया था लेवर बहुत स्मार्ट, और जब भी आप
अपना जो कंफर्ट जोन है छोड़ करके बाहर निकलने की कोशिश करोगे। वीकनेस चेक करना पहले जरूरी है। एग्जैक्ट कहां वीकनेस है, मतलब कहां पर मुझे लग रहा है मुझे पैसेज में बहुत टाइम लग रहा है, उस पर ज्यादा टाइम लगा, मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे इस वाले पे ज्यादा टाइम लग रहा है, तो मेरे प्रिपरेशन भी करना है, तो जैसे भी कर कुछ मदद करने के लिए तो थोड़ा सा याद कर लो कुछ को, आपको लग रहा है कि इसके बाद ये आता है, जब प्रैक्टिस करने लगोगे ना फिर क्वेश्चन दिख जाता है, फिर आप ही जज कर लोगे ना कि एवरेज पूछा है उसने या थोड़ा सा वो लेवल उठा के पूछा है या फिर इजी है, वो सब प्रैक्टिस से ही आता है। सो कहता रहा मेल करके, अभी देखो मैंने कल मैंने नाम लिया और ये सुबह मेरे को फोन कर दिया, तो बोले कि घर पर नहीं सीधे मिलो बच्चों से तो अच्छा रहेगा, मोटिवेट भी करोगे और बिल्कुल ठीक है, ये एक अच्छी बात है और आपको भी मैं चाहूंगा आप लेबर करने के लिए तैयार रहो, सेटिंग मैं करूंगा, सेटिंग मतलब इट इज डिफरेंट, गलत गलत मत है इंटरव्यू करवाने में बहुत बड़ी ठीक है मतलब प्रिपरेशन मैं करवाऊंगा, तो इससे भी इंस्पिरेशन लो, मिलते रहो जो ऊपर वाले जो क्वालिफाइड हैं।